जो खुदा ने आज भेद दिया है, परमेश्वर ने बताया कि जितना आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना होली स्पिरिट का टच स्पर्श आपकी लाइफ में होगा। आज तुम स्पर्श देखना, पवित्र आत्मा का स्पर्श देखना, तुम स्पर्श देखना आज पवित्र आत्मा का यहां पर। अगर उसने बोला है मुझे, इसका मतलब वो स्पर्श हमारे बीच में। जितना परमेश्वर से प्रेम करोगे, आज थोड़ा सा मैं जब मैं ऑफिस से आ रहा था, मैंने कहा ओके डैडा बाय बाय और मैं खुद अपने ऊपर हंस रहा था, मैं क्या कर रहा हूं खुदा के साथ। जितना प्रेम खुदा के साथ आपका, उतना स्पर्श। स्पर्श क्या है? एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पर्श। वो उपस्थिति है उसके ऊपर शैतान की। एक बंदे के ऊपर क्या है? शैतानी स्पर्श। उसकी बॉडी पर क्या है? एक शैतानी स्पर्श। और उस शैतानी स्पर्श को खत्म करने के लिए क्या चाहिए आपको? पवित्र आत्मा का हां स्पर्श। जब आप उसके ऊपर शैतानी स्पर्श है आपके ऊपर पवित्र आत्मा, और आप पवित्र आत्मा के स्पर्श से बोलते हैं टच, और वो आप में से बहती जीवन के जल की नदियां तुझ में से बह निकलेंगी, लिखा है ना। तो जीवन के जल की नदियां उसे जीवन देने वाली, जो शैतान ने उसके जीवन पर कब्जा किया है, सारा संसार दुष्ट के बस में, तो आप स्पर्श देते हैं और उसे होली स्पिरिट टच करता है, उसमें से पाप निकलता है। वो बंदा उठता है, आज से मुझे नशा करने को मन नहीं करता। वो उठता है, मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूं, मेरे ऊपर सारा बोझ डिप्रेशन उतर गया, चिंता उतर गई, दुष्ट आत्मा का कब्जा था वो उतर गया, अब मैं हल्का फिर आराम फील कर रहा हूं। किससे हुआ? ऑनलाइन जो देख रहे हैं, किससे हुआ? आत्मा के स्पर्श से। तो जितने पास्टर हैं, आपको क्या चाहिए? आत्मा का। आज देखना तुम ब्लास्ट करने वाले अपनी चर्चों में जाके, आत्मा का अभिषेक ऐसा उतरेगा, स्पर्श ऐसा होगा, क्योंकि सीक्रेट आज रेवलेशन प्रकाशन हमारे बीच में है। जितना खुदा से लव करोगे उतना ही ईश्वर स्पर्श हमारे साथ होगा। मतलब आपका प्यार ऐसा हमसे और डैडा बाय, आपको तो प्रभु 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 पुल पड़ते चल रहा, प्रभु मेरे नाल होई प्लीज, प्रभु प्रभु मेरे नाल होई प्रभु प्लीज, प्रभु आज क्रूस चढ़ते चल रहा, प्रभु आज लोग चंगे होंगे जी नहीं जी, ना चंगे होए प्रभु, क्या है ऐसा प्रे कर रहे हो? सचमुच कुछ नहीं होने वाला। अगर स्तुति में जीवन बिताया क्रूस चढ़ से पहले एक दो महीने, समझ पा रहे हो, एक दो महीने क्रूस चढ़ में जाने से पहले पहले ही तैयारी की है स्तुति में, तो खुदा के साथ वो रिश्ता होगा। खुदा डैडा आओ आज लोगों को चंगा करे, आओ पवित्र आत्मा लोगों को दुष्ट आत्मा से आजाद करे, आओ पवित्र आत्मा लोगों को चंगा करे, आओ खुदा की विदारी परमेश्वर का राज्य जो आसमान में पृथ्वी में खड़ा कर दे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए काम करे। आए पवित्र आत्मा, आए डैडी जीसस पापा अब्बा पिता आई लव यू, आ जा चले, क्योंकि उसने हमें संगति के लिए बुलाया है, सहभाग्यता के लिए बुलाया है, सहकर्मी होने के लिए बुलाया है, और आप ऐसा जीवन जी रहे होते फिर हालेलुया। और पवित्र आत्मा का जितना 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 प्रेम उतना स्पर्श, और जितना स्पर्श उतनी सामर्थ। जितना प्रेम करेंगे प्रभु से उतने स्पर्श होगा आपकी बॉडी के ऊपर। एक दिन मैंने बताया कि जब एक इंसान अपने आप के लिए मर जाता है, मरोगे तुम कब? पर खुदा से प्यार होगा तो ही मरोगे ना। कहते ना अपनी फ्रेंड को गर्लफ्रेंड को जो ऐसे चक्रों में पड़े, तेरे लिए तो मैं जान तक दे दूंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। अरे ताड़ा कितना बड़ा है तुझे ये पता है पहले? क्यों? क्योंकि उससे वो प्यार करता है, अपनी पत्नी के लिए वो सब कुछ करता है क्योंकि उससे वो प्यार करता है। तब तक सेल्फ डेथ नहीं होती, अपने आप के लिए मरना फास्टिंग में रोजों के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो मरना असंभव नहीं है उसके प्रेम किए बिना, उसके प्रेम में लिप्त है। जब आप उसके ध्यान दीवाने हो जाते स्तुति करते हुए, आप कहते प्रभु तेरे लिए तो 40 रोजे प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरे लिए ये समर्पण बोने का समर्पण, वास का समर्पण, इतने महीने पवित्रता का समर्पण, कोई गलत रिलेशन में ना जाऊंगा, कोई पाप में ना जाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं सोऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, पवित्रता में रहूंगा। आप समर्पण पर समर्पण देते हैं, और बाइबल में जितना समर्पण उतना परिवर्तन, उतना स्पर्श, और जितना प्रेम उतना समर्पण और स्पर्श, और जितना स्पर्श होगा। अब एक व्यक्ति बीमार है,
गिल्टी को गायब करने के लिए क्या चाहिए? स्पर्श। इतनी बड़ी अंदर सौली है, सोचो डॉक्टर ने चीरफाड़ करनी है, पर तुम सीधा प्रेयर करते हो बिना चीरफाड़ के, बोरसौली बाहर निकाल देते हो प्रार्थना करके। कितने हद तक की हीलिंग कर सकते हो, कितनी हद तक प्रोफेटिक कर सकते हो, वो क्या होगा? जितना स्पर्श उतनी ज्यादा हद तक तुम सालवेशन, हीलिंग, प्रोफेटिक कर पाओगे। अगर बपतिस्मे हफ्ते में 20 हो रहे, तुम 50 दोगे, सालवेशन बढ़ेगी, स्पर्श होगा ज्यादा। मैंने देखा चर्च में जब जब स्पर्श बढ़ा, बपतिस्मे की गिनती बढ़ी, हाँ सालवेशन पावर बढ़ी। क्योंकि जब हाथ रखता हूं, अन्य जाति आते हैं, वो कहते ये कभी नहीं महसूस किया जो यहां है, इतनी भक्तियां की कुछ नहीं महसूस हुआ, इतने डब्बे चढ़ाए कुछ नहीं महसूस हुआ, ये क्या हुआ? हाथ रखा, चर्च में आए, टच किया खुदा ने और उसके प्यार से भर गया, ये तो कुछ अलौकिक सामर्थ्य है, सचमुच खुदा यहां पर मौजूद है। और अगले दिन डुबकी ला रहे थे। जितना स्पर्श उतनी सालवेशन, उतनी बड़ी लेवल की हीलिंग, उतने लोगों को तुम आत्मा में बपतिस्मा दे पाओगे, उतने लोगों को अन्य भाषा दे पाओगे। नहीं तो तुम यही कहते रहोगे तेरे विश्वास की कमी है बहन, विश्वास चवाद। कितना आसान होता है ना पास्टर के लिए, वो ये नहीं बोलेगा मेरे स्पर्श में कमी है, मुझ में सामर्थ्य की कमी है, मुझ में समर्पण की कमी है, मुझ में प्रभु की स्तुति की कमी है, मुझ में उपवास की कमी है, मुझ में प्रेम की कमी है खुदा के लिए, ये नहीं बोलेगा। एक दिन मीटिंग में आया और एक सिस्टर रो रही थी और मैंने कहा ओके मुझे तुझ पर तरस आ रहा है प्रभु, मैं चाहता हूं ये चंगी हो जाए। और वो ऐसा बहस से बाइबल में नहीं है, वो कहता है मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा, पर एक जगह है ऐसा कि तुम जो मांगोगे वो कर देगा अगर उसके क्या सीखा था, मित्र बन जाओ, दोस्त बन जाओ। खुदा तेरे साथ दोस्ती है, मैं चाहता हूं इसे चंगा करे प्लीज यार। ओ वाह, मैंने उसकी हीलिंग देखी पूरी चर्च में, हालेलुया। तो उन भजनों प्रेम के भजन गाने हैं, ठीक है, अगला लेवल स्तुति का, स्तुति में प्रेम के भजन गाओ। तो जैसे प्रेम के भजन, प्रभु के साथ प्रेम करो, लिपटो, दोस्ती करो, संगति करो, एक तो होते धन्यवाद के भजन, एक होते स्तुति के भजन, आराधना के भजन, तो एक होते खुदा के प्यार से लिपटने वाले भजन। तो जितना प्रेम उतना स्पर्श, जितना स्पर्श उतनी सामर्थ, अभिषेक, यही तो चाहिए खुदा के राज्य को दुनिया में लाने के लिए।